मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स.com की प्रस्तुति ज्ञानी बाबा। दोस्तों, इन दिनों बहस छिड़ी हुई है संसद के नए भवन को लेकर। जी हाँ, 28 तारीख को संसद के नए बने हुए भवन का उद्घाटन होना है और उस पर तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने सभी विपक्षी पार्टियों को भी आमंत्रित किया है उसके उद्घाटन के दिन, लेकिन सुना जा रहा है कि 19 विपक्षी पार्टियों ने, जिनमें कांग्रेस प्रमुख है, इसका बहिष्कार किया है, इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि उद्घाटन समारोह राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ही संसद कंप्लीट होती है और राष्ट्र प्रमुख होने के नाते भी राष्ट्रपति ही इसका उद्घाटन करने के अधिकारी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष कहलाते हैं। सवाल ये उठता है कि ये विवाद क्यों? एक तो इस बात पर भी विवाद हो रहा है कि नए संसद भवन की ज़रूरत ही नहीं थी, 1000 करोड़ रुपए देश की जनता के व्यर्थ किए गए। दूसरी तरफ इसके विपक्ष में कहा जा रहा है कि 1927 में बनी हुई ये जो संसद है, तकरीबन 100 साल पुरानी हो गई है, जिसमें अब जगह कम पड़ने लगी है, आधुनिक सुविधाओं की कमी है और आगे जब सदस्य संख्या परिसीमन के तहत और बढ़ेगी तो ये और जगह कम पड़ जाएगी, मुश्किल होगी वहाँ पर कार्य व्यवहार करना। फिर ये जो इमारत है ये भूकंप रोधी भी नहीं है। अभी लोकसभा की सीटें जो हैं 590 हैं, नई में 888 हो जाएंगी। विजिटर गैलरी जो है वो 336 की हो जाएगी, 336 की है, उसे और वो और बढ़ जाएगी। उधर राज्यसभा में अभी 280 सीटें हैं और नई राज्यसभा में 384 हो जाएंगी और विजिटर गैलरी भी 336 की हो जाएगी। एक और विरोध का कारण पैदा कर दिया गया है कि 28 मई को ही इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है, और खुद ही जवाब दे देते हैं कि 28 तारीख को सावरकर की जन जयंती है, इसलिए इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि राष्ट्र के निर्माताओं का अपमान है। मेरा ये मानना है कि जब बिल्डिंग बन ही गई है और सबको बाद में उसमें अपना कारोबार करना ही है तो इतना विवाद क्यों? कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी पार्टियां हो, उनको आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में जाना चाहिए, क्योंकि संसद सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की भी है और बाकी विपक्षी पार्टियों की भी है, क्योंकि वो देश की बाकी जनता की के प्रतिनिधि हैं और अल्टीमेटली ये संसद भवन देश की जनता का है। अगर ऐसे में वो उस कार्यक्रम में जाते हैं, भले ही विरोध करें, ऐतराज़ जताएं, लेकिन इस कार्यक्रम में जाते हैं तो इससे जनता के बीच में एक जो इमेज जाएगी वो उनकी सदाशयता की जाएगी, साथ देने की और देश के मामलों पर एकजुट रहने की जाएगी। हालांकि और भी अच्छा होता कि राष्ट्रपति भी आमंत्रित होती या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मिलकर इसका उद्घाटन कर देते, लेकिन विवाद को बढ़ाना उचित नहीं है। अक्सर हमने नेताओं को कहते हुए सुना है कि हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं, लेकिन जब इस तरह की बातें देखने में आती हैं तो लगता है मतभेद नहीं, ये वास्तव में मनभेद ही हैं, दुश्मनी जैसे कट्टर विरोध। इनसे बचा जाना चाहिए। अगर सचमुच राजनीतिक लोग देश के विकास के लिए काम करते हैं और इसका दावा भी करते हैं तो ऐसे मामलों पर मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए और जनता में एक अच्छा संदेश देना चाहिए।